अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। वर्क प्लेस का हाल चेक करें कि वर्क प्लेस लग ही नहीं रही क्योंकि सीज़न जो है वो बारिशों का ऑन हो चुका है। सुबह भी ये देखिए बारिश हुई है और अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा बादल है। सो मैंने सोचा कि दो मेरी वीडियोज़ जो है वो टेक्सचर ऐसे जो ज़मीन पर पड़े हुए थे, मैंने कहा उनकी मैं वीडियोज़ जो है वो जल्दी से बना लेती हूँ ताकि अफ्तारी से पहले पहले जो है वो मेरा काम ख़त्म हो जाए। अभी तकरीबन 4 बज चुके हैं और एक ये वाली मैंने जो है वो बनाई थी एंड की जब वो मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड की है। हालांकि ये फुल डस्टी, लेकिन सुबह की बारिश से ना थोड़ा सा ये टेक्सचर डैम्प हो चुका था, लेकिन फिर भी कदरे बेहतर था। अगर मैं ना बनाती तो फिर तो इसने बिल्कुल ही ख़राब हो जाना था। बाकी टेक्सचर जो कुछ टेक्सचर जो है वो मैंने टब में डाल के रख दिया ताकि वो बच जाए। तो एक ये वाला हैंडमेड ग्रेनी टेक्सचर था जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ था, इसकी मैंने एक शेप बनाई है। इसकी एक मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड किया, सो मैंने सोचा कि चलें अब जो है वो मैं थोड़ा सा व्लॉग पर क्रम्बलिंग कर देती हूँ, एक व्लॉग रिकॉर्ड कर ले, उसमें जो है वो हम थोड़ी सी क्रम्बलिंग कर देंगे और सूरत हाल भी बता देंगे कि अब जो है वो बारिशों का सीज़न दोबारा से ऑन है। जो है वो आज थर्सडे है, कल फ्राइडे और सैटरडे, 3 दिन अभी बारिश के बताए हैं। तो मैंने कहा चलें जितनी मेरे ज़मीन पर टेक्सचर पड़े हैं उनकी तो मैं वीडियो बनाऊँ ताकि वो मज़ीद ख़राब ना हो जाए। ये टेक्सचर जो है वो सुबह की बारिश से बच गया था और ये फुल डस्टी था। अब जो है वो हमें क्रम्बलिंग इसी तरह से करनी पड़ेगी। यहाँ से भी एक टेक्सचर निकालते हैं टब में से। कल जो है मैं इनको कवर करके गई थी ताकि मेरे टेक्सचर ख़राब ना हो। ये मिक्स टेक्सचर है रीफॉर्म वाला, ओहो ये भी फुल डस्टी है, डस्ट चेक करें। और इतना सॉफ्ट है ना, इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड होने वाली है, लेकिन अब तो मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैंने अफ्तारी बनानी है, काम करना है, मेरा खुद भी रोज़ा है। और यहाँ पर भी हमारे पास एक आधा टेक्सचर पड़ा हुआ है, टेक्सचर सारे तकरीबन ट्राई हैं, लेकिन वीडियो बनाने के लिए टाइम ही नहीं बचता। जॉब से आने के बाद जब वो मैं इफ्तारी का बनाने लग जाती हूँ। ये प्योर सैंड, ये टेक्सचर तो वैसे ही पड़ा हुआ है, ये वाला टेक्सचर जिसकी मैंने अभी जो है वो वीडियो रिकॉर्ड की है कि मैंने एक शेप बचा के रख दी थी कि चले एक व्लॉग छोटा सा रिकॉर्ड कर लेंगे। मेरा चारकोल सैंड सीमेंट, ये भी फुल ड्राई है। इसकी एक शेप ना हम क्रम्बल करते हैं फ्लोर पे ताकि आपको अच्छे से डस्ट और साउंड जो है वो पता चले। एक तो बाहर शोर हो रहा है, वीडियोस भी मैंने बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड की हैं। बहुत ही मज़ेदार डस्टी टेक्सचर है,
यहाँ पर भी मेरे पास दो टेक्सचर पड़े हुए हैं, रेड वाला और एक है ये एशीज वाला जो कि न्यू टेक्सचर मैंने बनाया था। ये भी फुल डस्टी और ड्राई है और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है डैम्प हो गया है बारिश की वजह से, क्योंकि सुबह बारिश हुई है थोड़ी बहुत। इससे टेक्सचर्स को भी करके देखते हैं, मुझे लग रहा है कि इस टेक्सचर्स को जो है ना बारिश ने हार्ड कर दिया। ज्यादा नहीं किया लेकिन हल्का हल्का हार्ड हो गया ये टेक्सचर। भी नहीं है फुल तो ड्रैम्प सा ही टेक्सचर है ये चेक करें। अच्छा एक आधा टेक्सचर जो है वो मेरा रूम में भी पड़ा है, तो ये देखिए ग्रे कंक्रीट वाला टेक्सचर जो कि मैंने रूम में रखा हुआ है। बड़ा ही शोर है लेकिन मेरे पास अब टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसे ही क्रम्बलिंग कर रही हूँ, आप होप सब लोगों को अच्छी लगे। और ये टेक्सचर जो है ना फुल ड्राई है। चले बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है जो कि मेरे सांस में जा रही है। चलें जी ठीक है, यहीं पे मैं ब्लॉग को जो है वो एंड करती हूँ। होप सो कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।